हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस के एक नए 5G स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है वन प्लस 11R। और इस स्मार्टफोन के सारे फीचर्स को एक एक करके जानेंगे। इसमें तीन वेरिएंट दिए गए हैं, स्टोरेज के अंदर तीन कलर दिया गया है और इस फोन के सारे फीचर्स को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आईलैंड टेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी जरूर क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वन प्लस 11R स्मार्टफोन के बारे में। शुरुआत करते हैं इस फोन के जनरल फीचर से। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 13 का यूज किया गया है। कस्टम UI की बात करें तो इसमें कलर OS देखने को मिलने वाला है। नेटवर्किंग में आप लोगों को डुअल सिम GSM प्लस GSM सिम कार्ड लगा सकते हैं। दोनों सिम कार्ड नैनो प्लस नैनो सिम कार्ड लगेगा। ये 5G सपोर्टेड है, वोल्टी सपोर्टेड भी है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट फीचर है वो है परफॉर्मेंस। चिपसेट इसके अंदर जो है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जन प्लस जनरेशन फर्स्ट का देखने को मिलेगा। ओक्टा कोर 3.2 GHz का है। ग्राफिक्स की बात करें तो एड्रिनो का 730 का आप लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है इस फोन का वो है डिस्प्ले। तो इस फोन का जो डिस्प्ले टाइप होगा वो होगा सुपर फ्लूइड एमोल्ड का डिस्प्ले। साइज की बात करें तो 6.74 इंचेस का डिस्प्ले साइज होगा। रिजोल्यूशन की बात करें तो 1240 से लेकर के 2772 पिक्सल का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है और पंच होल डिस्प्ले वाला ये फोन होगा। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल रहा है। जब आप लोग फोन को चलाएंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट फीचर डिजाइन की बात करें तो इस फोन के अंदर हाइट इस फोन का 163.4 mm दिया गया है। विड्थ 74.3 mm है। थिकनेस 8.7 mm है। और वेट की बात करें इस फोन के तो 205 ग्राम का ये फोन अवेलेबल है। इस फोन में आप लोगों को तीन कलर देखने को मिलेगा जो कि है सोनिक ब्लैक, गैलेक्टिक सिल्वर और सोलर रेड कलर करके। इस तरह से तीन कलर इस फोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर कैमरे के बारे में। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है बैक साइड के कैमरे में जो कि 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। इमेज रिजोल्यूशन में 8150 से लेकर के 6150 पिक्सल का आप लोगों को इमेज रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। शूटिंग मोड्स के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूअस शूटिंग मोड्स और हाई डायनेमिक रेंज मोड भी दिया गया है यानी कि HDR मोड और मैक्रो मोड भी देखने को मिलेगा। बात करें इसी के अंदर और नेक्स्ट फीचर जो कि है कैमरे का, कैमरा फीचर्स मेन प्राइमरी कैमरे का, तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और फिल्टर्स। और आप लोगों को बता दूं कि फोकस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, साथ में टच टू फोकस का भी ऑप्शन इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को 3840 से लेकर के 2160 पिक्सल का 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1920 से लेकर के 1080 पिक्सल पे भी 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक और इसमें बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की तो इसके अंदर आप लोग सुपर स्टेबल मोड दिया गया है, स्लो मोशन है, वीडियो HDR है और बोक पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब बात करें इस फोन के नेक्स्ट फीचर वो है सेल्फी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। और वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो बता दूं कि 1920 से लेकर के 1080 पिक्सल पे आप लोग 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस फोन के नेक्स्ट फीचर बैटरी की, तो इसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh की ली पॉलीमर का नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल रही है सुपर वेक क्विक चार्जिंग के साथ में जो कि 100 वॉट का अडेप्टर है। 100% सिर्फ 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। USB-C टाइप का आप लोगों के मोबाइल में केबल लगेगा चार्जिंग के लिए। और स्टोरेज की बात करें तो 128 GB का नॉन एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड दिया गया है। और रैम की बात करें तो 8 GB का रैम दिया गया है। और इस फोन के अंदर तीन वेरिएंट दिए गए हैं स्टोरेज के अंदर, वो बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, आप लोगों को पता चल जाएगा। प्राइस भी साथ में बता दूंगा। अब बात करें इस फोन के नेक्स्ट फीचर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिवाइस सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड, तो इसमें FM नॉट सपोर्टेड है, FM नहीं चलेगा। डॉल्बी एटमोस का स्टीरियो स्पीकर है यानी कि डुअल स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं, और लाउड स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है।
यूएसबी सी टाइप आप लोगों को ऑडियो जैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो कि सबको इंतजार था इस फोन का वेरिएशन जानने का और प्राइस को जानने का, तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ अब बताता हूँ। तो 128GB 8GB रैम वाले फोन का प्राइस होगा 29,999 रुपए और ये सब एक्सपेक्टेड प्राइस होगा जो मैं बता रहा हूँ। 256GB 16GB रैम वाले फोन का प्राइस होगा 35,962 रुपए और जो 512GB और 18GB रैम वाले फोन है इस फोन का प्राइस होगा 45,999 रुपए। OnePlus 11R का मैंने एफिलिएट लिंक यानी कि Amazon का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग क्लिक करते ही सीधा Amazon पर पहुंच जाएंगे और आप लोगों के सामने OnePlus 11R का स्मार्टफोन होगा और आप लोग वन क्लिक में बाय कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस फोन का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक थम्स अप एक लाइक जरूर करें।